कोरोना महामारी करके श्रद्धालुओं की गुरुद्वारे च आमद घटन करके गुरुद्वारे की गोलक ते भी असर पिया है, जिस करके श्रोमणी कमेटी का सालाना बजट ऐतकी 18.5% घट गया है। तेजा सिंह समुद्री हाल में अज पेश किए गए सालाना बजट में वित्तीय साल 2020-21 वास्ते 9,81,94,00,000 रुपए की अनुमानित रकम पेश की गई है। हालांकि अनुमानित आमदन 6,65,00,000 रुपए होने की संभावना है। इस घाटे को पूरा करने लिए हुण श्रोमणी कमेटी वालों अपनी बचतों की वरतों की जाएगी। यह बजट पिछले वरे नालों 18.5% घट है। पिछले साल लगभग 12,00,00,000 रुपए का बजट पेश किया गया सी। बजट दौरान विरोधी धिर के मैंबर वालों अपनी गल सामने रखने रौला रप्पा भी पाया गया, जिन्होंने मगरों अपनी गल कहने का मौका दिता गया। तुहानू दस दिए कि कोरोना महामारी करके इस बार श्रोमणी कमेटी का सालाना बजट मार्च महीने में पेश नहीं सी हो सकया। सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी ते होर गुरुद्वारे घटन करके साडे गोलकां दे विचों इह कुछ आमदन घटी है, इस करके बजट घटिया। पिछले वार 1,209,00,000 सीगा, हांजी इस वार किन्ना रहया जी? 9,81,94,80,000 रुपए दा तो इह बजट होया साडा। प्रधान जी, जिहड़ा कुछ मैंबरां वल्लों विरोध कीता गया, उहदे बारे की कहो? देखो, सिर्फ उहनां दा काम विरोध करना सी, उह इत्थे सिर्फ अपनियां खबरां छापण वास्ते टीवी ते आउण वास्ते विरोध कीता। उहनां दे तुसीं सुणी लईआं, कोई दम नहीं सी उन्हें दे गल्लां दे विच, कोई उन्हें सार्थक गल नहीं की। जो पिछले समय दे विच बहुत ही माड़ी घटना वापरी है, 15 दे विच जो होया, और श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों आप असी श्री अकाल तख्त साहब नूं बेनती की कि जिहड़ी ये सरूप 328 है सामने आए ने, और जो घटना वापरी सी उस समय गुरु ग्रंथ साहिब पावन सरूपां दे वेले, तो उहदी असी जाँच जिहड़ी सी श्री अकाल तख्त साहब वालों डॉक्टर ईसर सिंह की जी है कमेटी ने कराई है, वो साढ़े सामने आ गई। वो जो भी दोषी पाए गए हैं, तकरीबन 16 दोषी ने, उन्होंने सारा असी जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के नियमानुसार सख्त तो सख्त जी उन्होंने सज़ा दी गई है। प्रधान जी, हम जी संगत हल भी रोस कर रही है, उन्होंने की हल की उन्होंने कुछ कर जा रहे हो? देखो, असी 328 सरूपों की जी गल है, असी पूरी गंभीरता के नाल लगे हुए हैं। अपनी टीम असी पिंडां दे विच भेजियां ने, शहरां विच भेजियां ने, साडियां टीमां जा रही ने, प्रचारक जा रहे हैं, ग्रंथी सिंह जा रहे हैं, तां कि सानूं पता लगे भी कि उह सरूप कित्थे चले गए ने। सो असी भी कोशिश करदे आ कि जल्द तो जल्द जिहड़ा सरूपां दा 328 दा पता लग सके कि कुछ सरूपां बारे पता चलिया जी कित्थे हैगे ने। सानूं आस है कि जल्दी कोई ना कोई जरूर नतीजा सामने आएगा। पर जिहड़ी संगत जिहड़ी बाहर बैठी है, धरना लाए बैठी है, जवाब मंगदे पए जी कि उह सानूं दित्ता जावे, उहदा फिर देखो इक तां इह बहुत मर्यादा दे उल्ट है जी। इह सचखंड श्री हरिमंदर साहिब सिखां दी आस्था है। असी अरदास च भी गल करते हैं कि इतने दर्शन स्नान करने वास्ते संसार दे विच किते भी सिख बैठा है, नानक नाम लेवा, इतों के दर्शन दारे की वो कामना करता है। सो इतने संगत श्रद्धा के नाल आउंदी है, सत्कार के नाल आउंदी है, वो संगत बहुत बड़ा प्रभाव पै। मैनू बड़े टैलीफोन आ रहे हैं कि ये जिहड़े लोग ने किने बिठाए हुए ने, मैं समझदा ये पंजाब की जिहड़ी कांग्रेस सरकार है उन विच इक सास दे अधीन इत्थे ये बैठे ने, और ये मर्यादा के उल्ट ने, और इस तरह दी गद्दियां भाषा बोलते हैं जिहड़ियां इन्हां नूं नहीं बोलनियां चाहीदियां, और समय समय साढ़े अधिकारियों के नाल भी गल करते रहे, लेकिन उस तों बाद फिर पलट जांदे सी। अमृतसर तो ध्यान चंद दी रिपोर्ट, पंजाब टुडे।